आगे तूफान तूफान तूफान, ये देखो भाई। हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि महाराष्ट्र में चल रहा है लॉकडाउन, तो इस लॉकडाउन के चलते हुए शायद से वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि शायद से नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए व्लॉग्स नहीं आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अब आदत जो पड़ गई है कैमरा उठा के बात करने की। सो और ये आप लोगों का प्यार है जो ये करने के लिए मेरा बहुत मन करता है। इसीलिए अभी कैमरा उठाया और अभी आपसे बात कर रहा हूँ। पहले तो सोचा वीडियो किस बारे में बनाऊं, देन फिर ध्यान में आया कि जो मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड थी मुंबई से गोवा वाली, उसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे थे और कुछ कुछ लोगों को बाइक के बारे में डाउट्स थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के बारे में ये वीडियो बनाया जाए, जो मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड है उसमें मैंने जो जो एक्सपीरियंस लिया है और जो जो मैं सीखा हूँ उस राइड से, वो आपके साथ मैं शेयर करूँ एक प्रॉपर वीडियो बना के। इस वीडियो में आज हम लोग उसके ऊपर ही बात करेंगे। बट वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो मैंने गोवा राइड की थी उसके कुछ हाइलाइट्स आप ये देखो, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। यहाँ पे COVID-19 का चेक पोस्ट है, कुछ तो टेस्ट वगैरह हो रहा है फोर व्हीलर्स का। बाइकर्स को तो नहीं रोक रहे, थैंक यू सो मच। आगे तूफान तूफान तूफान, ये देखो भाई। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ गोवा। ये क्लच केबल टूट गया था। टीवीएस में एक संदेश भाई करके है, उन्होंने अपना एकदम खुफिया दिमाग चलाया और 310RR का ही केबल इंस्टॉल किया। भाई बियर शॉप, इधर देखो उधर देखो, हर जगह पे बियर। साउथ गोवा में आओ, इस फोर्ट का नाम है काबो दे रामा फोर्ट। पूरा टायर स्लिप हो रहा है, ये महंगा गिरेगा लगता है। मैं हूँ गोवा के लास्ट बीच पे जो के है गाल्गी बागा बीच। सो फाइनली अभी हम लोग आ गए चापोरा फोर्ट। All right guys, चलो इट्स टाइम टू लीव नाउ, अपने घर की ओर प्रस्थान करने का। सो सागर भाई बाय बाय। तो मेरी जो मुंबई से गोवा वाली राइड थी वो कुछ प्लान नहीं थी। एक दिन हम लोग जो मेरे साथ में उस राइड पे थे सागर और काल, आप सब जानते हो उन लोगों को, तो हम लोग एक दिन ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रहे थे और फ़ोन पे बात करते अचानक से प्लान बन गया और हम लोग निकल गए गोवा राइड के लिए। फर्स्ट टाइम कोई बाइक राइड पे जा रहा था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या फील होगा, बॉडी पेन करेगा नहीं करेगा, कुछ आइडिया नहीं था मुझे। जो मैं स्प्रे और पेन किलर लेके गया था उसका यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि बाइक इतनी कंफर्टेबल है कि आपको मतलब जो जर्नी है आपकी 10-12 घंटे की वो फील होने देती ही नहीं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। हम लोग गोवा पहुँचे, गोवा में जहाँ पे हम लोग रुकने वाले थे काल के घर पे, हम लोग वहाँ पे पहुँचे और मैंने वहाँ पे जो मेरे साथ में थे उनसे मैंने ये बात शेयर की कि भाई मुझे थोड़ा क्लच में ये प्ले आ रहा है। तो वो एक्सपीरियंस थे, उन्होंने बाइक बहुत टाइम से चलाई है। उन्होंने बोला कि भाई क्लच का वायर तो तेरा चला गया। तो मैंने बोला भाई अभी क्या कर सकते इसको, तो रात ज़्यादा हो गई थी तो कुछ कर नहीं पाए। नेक्स्ट डे करने के लिए गए तो नेक्स्ट डे संडे था तो संडे को भी कुछ नहीं कर पाए। देन उसके बाद मंडे को मैंने वो फिर टीवीएस में जाके चेंज किया, वो सब आपने वीडियो में देखा है। ट्यूसडे को हम लोग साउथ गोवा गए थे, वहाँ पे बहुत घूम गए बहुत घूमे। तो वहाँ पे हर एक टाइप का रोड है, तो मीन्स हाईवे भी था थोड़ा, ऑफ रोड भी था, तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। देन हम लोग ने साउथ गोवा के बाद हम लोग ने राइड किया नॉर्थ गोवा का, तो वहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आया। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ गोवा में यहाँ पे राइड किया वहाँ पे राइड किया, मैंने गलतियाँ की थी वो आपसे ना हो इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो गलती पहले तो ऐसी थी, मैं जिस टाइम पर गया था गोवा में उस टाइम पर अगर पॉसिबल है आपको तो मत जाना,
क्योंकि भाई बहुत गर्मी रहता है वहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाइक से या फिर स्कूटी से वहाँ पे घूमूंगा, तो वो टाइम पे गोवा में तो नहीं जाना चाहिए। बेटर है जब विंटर सीजन है, मीन्स सितंबर से लेके फरवरी या जनवरी एंडिंग, फरवरी भी नहीं जनवरी एंडिंग तक, तो उसी टाइम आप जाए अगर बाइक राइड करनी है तो। सेकंड चीज़ मैंने फेस की, गोवा में सीन ऐसा है कि जो हाईवे छोड़ के जो बाकी के रास्ते हैं वो काफ़ी छोटे हैं। फर्स्ट टाइम वो एरिया में अगर बाइक चला रहे हो तो आपको कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता नहीं वहाँ के ट्रैफिक का, तो वहाँ पे थोड़ा चलाना मुश्किल हो जाता है जो फर्स्ट टाइम चला रहा है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहना कि रोड्स छोटे हैं, और हमेशा एक बात ज़रूर ध्यान में रखना, अपने दिमाग को गोवा में भाई बहुत ठंडा रखना। अब जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। गोवा में अगर आप जा रहे हो तो आपको मैं एनी टाइम रिकमेंड करूँगा साउथ गोवा जाओ, बहुत अच्छा है। अगर साउथ गोवा आपने अभी तक देखा नहीं है और आपको अभी देखना है, वो मैंने शूट किया है, चैनल पर जाओ या फिर प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके देख लेना। और आने के टाइम पे उल्टा हम लोग काफ़ी जल्दी आए, हम लोग को रोड पूरा खाली खाली मिला और बाइक हम लोग ने भगाया। बट ऑब्वियस उस टाइम पे भी बिल्कुल ना बॉडी पेन हुआ ना कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोग ये बाइक लेने का सोच रहे हैं तो एक पॉइंट तो है कि भाई आपको थकावट महसूस नहीं होगी इस बाइक पे। अब बात करते हैं जो मैंने सीरीज अपलोड की गोवा की, उसके ऊपर आप में से काफ़ी लोगों ने कुछ डाउट्स पूछे हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं एक बार कुछ जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें से उनको मैं वीडियो में रिप्लाई करूँ। तो पहला कमेंट है दिवाकर पांडे, इन्होंने पूछा है कि वीडियो के लास्ट में समझा व्हाई काल वाज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन और ये बात है ना, बहुत सारे लोगों ने बोला काल क्यों इम्पोर्टेंट था, वो तो मैंने वीडियो में बताया। अगर आपको अभी तक पता नहीं क्यों इम्पोर्टेंट है तो भाई जाओ और गोवा सीरीज़ का पहला वीडियो देखो, पता चल जाएगा आपको। उसके बाद दूसरा कमेंट लेंगे नीनाथ खुले, इन्होंने पूछा है डू नीड कोविड रिपोर्ट फॉर गोइंग टू मालवन, अल्सो योर ब्लॉग इज़ वेरी गुड, लव्ड इट। सो भाई थैंक यू सो मच, आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे। उस टाइम पे जब मैं गया था तब बाइक को नहीं रोक रहे थे, हाँ बट कार को रोक रहे थे। अभी का सिचुएशन मुझे पता नहीं वहाँ का क्या है, बट जितना भी न्यूज़ में देख रहा हूँ उसमें पता चल रहा है कि अभी भी कोविड रिपोर्ट मांग रहे हैं वहाँ पे। और एक अपने व्यूअर है सौरिश देशमुख, इन्होंने बोला है कि वाइल मोटो व्लॉगिंग कीप द कैमरा एंगल अ लिटिल बिट लो, इट शुड बी 60% सराउंडिंग एंड 40% बाइक। मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, वो कैमरा एंगल मेरा प्रॉपर नहीं था, वो बाद में मुझे भी एडिट करने के टाइम पे पता चला। बट नेक्स्ट टाइम मैं जो भी राइड करूँगा, लॉन्ग राइड या फिर जो भी राइड करूँगा, उसमें मैं पूरा से पूरा ध्यान दूंगा मेरे कैमरा एंगल पे। उसके बाद अपने एक सब्सक्राइबर है संकेत महात्रे, इन्होंने पूछा वाया कोकन से क्यों नहीं गए गोवा। कोकन का राइड अपने को अलग करने का है, क्योंकि कोकन मेरे दिमाग में कुछ है, कोकन में कुछ प्लेसेस घूमना है मुझे, तो वो प्रॉपर अलग से जाएंगे उसके लिए। एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन था इन पूरे 5 के 5 वीडियोस में, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, आपकी बाइक कितना देती है, कितना माइलेज आया आपके बाइक को इस राइड में। मुझे जो माइलेज आया गोवा राइड के टाइम पे वो कुछ अराउंड 31-32 का माइलेज आया था मुझे। अब बात करते हैं और एक क्वेश्चन है इसमें, जो के है मेरे क्लच केबल के बारे में। आपको मैंने ये वीडियो में भी बताया और गोवा वाले सीरीज में भी बताया था कि मैंने जो क्लच केबल थी वो TVS RR310 की डाली थी। तो जब मैं मुंबई आया तो मैंने BMW सर्विस सेंटर है थाने में मेरे यहाँ पे, उनसे कांटेक्ट किया और उनको बोला कि मुझे अभी अपना BMW का क्लच केबल डालना है, तो आप मुझे बता दो प्रोसेस क्या करना है और कब आना है। तो चेंज करने के लिए डेट डिसाइड हुआ, देन मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया कि यार एक बार ना मैं पूछ लेता हूँ BMW मोटर आर्ट इंडिया को मेल करके कि ये वारंटी में वगैरह होगा क्या या नहीं होगा। तो मैंने ऐसे ही एक दिन बैठ बैठ के BMW मोटर आर्ट इंडिया को मेल किया और उनको बताया मैंने कि ये प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ सिर्फ 3000 किलोमीटर पे, और ये सेम प्रॉब्लम मेरे एक फ्रेंड को भी हुआ था जिसका नाम है मंदार,
हमारे यहाँ पे ही रहता है, 310R है उसके पास। और एक बंदा है कर्नाटक में, मैंने उसका यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उस बंदे को भी ये सेम प्रॉब्लम आया था। तो मुझे ऐसे लगा कि ये शायद से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, ये मैंने बताया उनको, BMW मोटर आर्ट इंडिया को। तो उन्होंने फिर ये सब इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ चेक किया, और ये सब चेक वगैरह करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि जो मेरे बाइक का क्लच केबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किया जाए। तो मैं वही अपने थाने के सर्विस सेंटर में गया, जो सर्विस हेड है निनाद, बेस्ट बंदा, और वहाँ पे और एक है अमित करके एक बंदा है, और वो भी सही बंदा है। उन्होंने जो हेल्प किया मुझे, और मतलब मुझे तो पहले ऐसे लगा था कि मैंने तो BMW के खिलाफ वीडियो बनाया एक दो, अभी ये लोग कुछ अलग से बिहेव करेंगे मेरे साथ, लेकिन बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ। उनका काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया, और मेरा जो क्लच केबल था वो फाइनली रिप्लेस हो गया, और मैं काफ़ी खुश हो गया। तो आई होप अभी जो जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया इस मेरे फर्स्ट गोवा वाली राइड, फर्स्ट गोवा वाली राइड नहीं, फर्स्ट लॉन्ग राइड के बारे में, वो एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया है आपके साथ, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। अगर आपके दोस्तों में से कोई गोवा जाना चाहता है या फिर अपने फर्स्ट लॉन्ग राइड पे जाना चाहता है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो में सिर्फ इतना ही था। सो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आई नो इसमें राइड वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि क्या कर सकते हैं भाई, लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। सो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा है, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को हमेशा की तरह प्रेस करना है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये बाइक करने जाऊंगा, कैमरा गिर जाएगा। सो